हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग साइंस का वीडियो लेके आए हैं भैया। जिस कड़ी में आपने देखा कोशिका चैप्टर चल रहा था हमारा, उसी कड़ी में हम लेके आए हैं भैया कोशिका का चौथा पार्ट। कोशिका का कौन सा? चौथा पार्ट। इसके पहले देखा जाए तो हम लोगों ने कोशिका के तीन पार्ट पढ़ चुके हैं भैया। साइंस का ये चौथा वीडियो लेके आए हैं। जो बच्चे अभी तक पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो नहीं देखे तो जरूर से जरूर देख लें। इस वीडियो के लिंक में जाइए, आप देख लीजिए। सारी वीडियो की लिंक पड़ी हुई भैया, पूरे वीडियो एक एक करके देख लीजिए। क्योंकि आप जब तक वो सारे वीडियो नहीं देखोगे तब तक ये सब समझ में थोड़ी आएगा भाई, आपको देखना पड़ेगा। तो सभी बच्चे उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। और आज साइंस का चौथा वीडियो, और आपको हम थोड़ी सी सूचनाएं दे दें। जैसे पहली सूचना की बात की जाए, आपने देखा होगा हम लोगों का जो डेली लाइव क्लास जो चलती है वो टाइमिंग 9 बजे है। लाइव क्लास की टाइमिंग कितने बजे है? 9 बजे होती है। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आया करें भाई, डेली 9 बजे, ठीक है ना। पहले 8 बजे थी, अब उसके 9 बजे कर दिए कल से, ठीक 9 बजे हो गई है सभी के कहने पे। दूसरी चीज, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन आपके इतिहास की क्लासें चलती हैं, टॉपिक वाइज चलती हैं भैया। और चौथी चीज आपको ये समझनी है कि बाकी शेष दिनों में संविधान की क्लास चलेगी। हाँ, संविधान की क्लास चलेगी बाकी शेष दिनों में। और करंट का सुबह 8 बजे के करीब आपको वीडियो मिल जाएगा भाई, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में करंट का मिल जाएगा। और करंट के उन टॉपिकों को मैं 10 से 5 मिनट में लाने का प्रयास करता हूं जो महत्वपूर्ण है, जो करंट के अति महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनको मैं डेली शाम को लेके आता हूं, ठीक है ना। और साइंस की क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो आइए आज शुरू करते भैया साइंस का वीडियो। तो सबसे पहले कोशिका चैप्टर का नाम हमारा क्या है? कोशिका। तो हमने बताया था कोशिका का अध्ययन क्या है, सब कुछ बता चुके हैं। तो कोशिका को हमने कहा था संरचना के आधार पर, पहले वीडियो देख लो, सब कुछ बता दिया है। संरचना के आधार पर 2 भागों में बांट दिया था, सुरक्षा आवरण था और जीव द्रव्य था। सुरक्षा आवरण में हमने आपको बताया था कि कोशिका की सुरक्षा करने वाले 2 आवरण होते हैं, एक का नाम होता कोशिका भित्ति और एक का नाम क्या होता कोशिका झिल्ली। हमने कहा था कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है, जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती है। और हमने ये भी बताया है कि सबसे छोटी इकाई, जीव जंतुओं की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, मानव की बात करें, किसी की बात करें, सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है? कोशिका होती है। हमने कहा था कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। हमने कहा मरी हुई कोशिका थी, जीवित की लुविन हक ने की। सारी बातें हम बता चुके हैं, तो ये वीडियो आप देख लेना। उसके बाद जो आज जहां से शुरू करना, जहां से हमने वीडियो 3 समाप्त किया था, चौथा शुरू कर रहे हैं, तो उसी में। तो हमने बताया था सुरक्षा आवरण बता दिया था, सुरक्षा आवरण में 2 भाग थे, कोशिका भित्ति थी, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को हमने कहा था कोशिका का द्वारपाल। कोशिका का द्वारपाल किसे कहे थे? कोशिका झिल्ली को कहे थे। अब इधर आते हैं जीव द्रव्य के बारे में बताया था, तो हमने कहा था कोशिका में जो पानी, जो कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति, इन दोनों चीजों को छोड़ दिया जाए, कोशिका में जो शेष भाग बचता है वो जीव द्रव्य कहलाता। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है बच्चा। तो जीव द्रव्य के बारे में हमने कहा जीव द्रव्य भी 2 प्रकार होते हैं, एक का नाम होता है कोशिका द्रव्य और एक का नाम होता है केंद्रक। तो अभी हम केंद्रक की चर्चा न करके जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। तो जीव द्रव्य क्या होता है बच्चा? कोशिका द्रव्य इसी को बोलते हैं। जीव द्रव्य जो होता है, जीव द्रव्य में केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों आ जाते हैं, लेकिन कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य में कोशिका के सभी अंग तैरा करते हैं। अब कोशिका के अंग कौन कौन होते हैं बच्चा? तो कोशिका के हमने 7 अंग बता दिए थे जो महत्वपूर्ण थे, जैसे अंतःद्रवी जालिका, इसी को प्रद्रवी या द्रवी बोलते हैं। अंतःद्रवी जालिका हमने समझा दिया था, अंतःद्रवी जालिका को हमने आपको बताया था कि इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, बताया था ना, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। फिर हमने राइबोसोम बताया था और हमने कहा था ये क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। प्रोटीन का मतलब प्रोटीन के लिए कच्चा पदार्थ आरएनए था, लेकिन फैक्ट्री कौन थी? देखा जाए तो राइबोसोम थी। क्या बताए थे? राइबोसोम थी। और बात किया जाए ये किसका निर्माण कर रही थी? प्रोटीन की। तो हमने जो इससे पहले भाग 3 में हमने अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम के बारे में चर्चा की थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आज जो हम आपको टॉपिक बताएंगे, देख लो, आज का जो टॉपिक होगा हमारा नाम होगा लाइसोसोम। क्या नाम होगा? लाइसोसोम होगा। और इसके अलावा आप देखोगे तो क्या पढ़ाऊंगा? लवक। क्या पढ़ाऊंगा? लवक। तो आज आपको हम 2 टॉपिक 2 अंग और बताएंगे, है ना, टोटल 4 आज हो जाएंगे। हमने अंतःद्रवी जालिका बता दिया था, राइबोसोम बता दिया था, आज लाइसोसोम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं लाइसोसोम। क्या नाम होगा? लाइसोसोम नाम होगा।
अब समझना, थोड़ी सी बात समझना। जैसे हम बात करें तो आपको हमने बताया तो ये वाला जो कोशिका का भाग होता है इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, और इसके अंदर देखोगे तो क्या होता है कोशिका, ये वाला जो होता है इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, और कोशिका झिल्ली में हमने कहा इस तरह से है ना, इस तरह से। अब देखो यहां पर हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, समझना। हमने बताया ये कोशिका झिल्ली है मान लो, और ये केंद्रक है, तो केंद्रक से कोशिका झिल्ली के बीच में हमने कहा था ये अंतःद्रवी जालिका है। कौन है? अंतःद्रवी जालिका होती है, और अंतःद्रवी जालिका में ही राइबोसोम पाया जाता है खुरदुरा टाइम में। और यहीं पर आप देखोगे तो यहां पर एक जगह लुके भाई साथ गठरी नुमा संरचना होती, कैसी होती है? गठरी नुमा संरचना होती है। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये देखो यहां पर गठरी नुमा संरचना है, इसी को बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। तो अब आपसे पूछा जाएगा गठरी नुमा संरचना क्या होती है बच्चा, तो गठरी नुमा संरचना देखो, जैसे हमने कहा ये मान लो टोपी है, इस टोपी को हम ऐसे कर दे तो इस तरह से कर देंगे तो कैसी संरचना होगी? गठरी नुमा। इसी को बोलते लुगदी नुमा संरचना, इसी को बोलते गठरी नुमा संरचना। तो हमने कहा लाइसोसोम की संरचना कैसे होती बच्चा, गठरी नुमा होती। देखो यहां पर हमने लिखा है गठरी का मतलब क्या हो जाएगा, एक थैली नुमा होती है। क्या होती है? थैली नुमा, या इसी को बोलते गठरी नुमा होती। कैसे होती? गठरी नुमा होती है, ऐसे समिट के रहा था, ठीक है ना। किसकी संरचना? लाइसोसोम की। दूसरी बात की जाए, इसकी खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे ने की थी। अब आपसे पूछ रहा है, आज हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम। क्या पढ़ रहे हैं? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने की। और इसकी संरचना कैसी होती है? गठरी नुमा होती है या थैले नुमा होती है? कैसे होती है? थैले नुमा होती है। तो ये देखो हमने कहा यहां पर होता है थैला वाला लिए बैठे इसे मुताकिर है, बढ़िया है, ऐसे बैठा है, थैलेनुमा होती है। और जो इसके अंदर थैला है ना, जैसे हमने कहा ये थैला, तो थैले के अंदर कुछ भरा होता है, इसके अंदर मतलब कुछ भरा होता है, और इसमें भरा होता है एंजाइम। क्या भरा होता है? एंजाइम। तो आपसे पूछा जाएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर क्या होता है बच्चा? एंजाइम होता है। और एक दो एंजाइम नहीं, 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं। तो इसके अंदर कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अब समझना, तो हमने कहा लाइसोसोम की आकृति कैसे होगी? थैलेनुमा या गठरी की तरह होगा। कहां? ऊपर से लुका बैठे कोशिका, कहती है ऐसे निहारा, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा, मतलब कोशिका का निहारा करा था, कहो देखा नहीं की गति, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या भरे होते हैं? एंजाइम। क्या होते हैं? एंजाइम। जैसे एंजाइम का कार्य, एंजाइम है क्या कोई आपसे पूछ ले? एंजाइम एक प्रोटीन है, जैसे यहां पर लिखा है एंजाइम एक क्या होता है? प्रोटीन है। एंजाइम एक क्या है? प्रोटीन होता है। अब आपसे पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, एंजाइम जो है पाचन क्रिया में सहायक है। आपसे पूछा जाए पाचन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो एंजाइम। अब सुनना, लाइसोसोम के बारे में बात की जाए तो इसकी खोज किसने की? डी डुबे ने की। इसकी संरचना कैसी? थैली नुमा। वो थैली के अंदर का भरा है? जैसे हमने कहा ये मान लो पर्स उठा लिए, देखो यहां देखो, यह थैली आए, ये मान लो लाइसोसोम, इसके अंदर हमने ऐसे पर्स भर दी, ठीक है, इसके अंदर पैसा वैसा भर दिए, अब ऐसे पैसा भरे तो इसी तरह लटका रहते, इसे निहारा करते हैं लाइसोसोम। तो ये क्या है बच्चा? लाइसोसोम होता। इसकी आकृति कैसी है? थैली नुमा। थैली के अंदर का भरा है? एंजाइम। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के। अब पूछा जाएगा एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम क्या होते हैं बच्चा? एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। अब पूछा जाए ये के अंदर जो एंजाइम भरा है और ये लाइसोसोम खाली का बैठे रहता है, का एंजाइम ले कुछ करता है क्या? तो हां करता है। जैसे हमने कहा कोशिका के अंदर मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, मान लो ये बैक्टीरिया कोई सनी देओल टाइप का आदमी, आतंकवादी टाइप का, हमने कहा ये मान लो कोई बैक्टीरिया है, जब बैक्टीरिया कोशिका के अंदर आता है तो सबसे पहले उसको रोकता कौन है बच्चा? कोशिका का द्वारपाल। और द्वारपाल कौन है बच्चा? कोशिका झिल्ली। जब कोशिका के अंदर कोनो आतंकवादी आता है, जैसे भारत के अंदर जब कोई आतंकवादी आता है तो सबसे पहले रोकते कौन है? आर्मी वाले खड़े रात इसे सीना अड़ा दे जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन होता? कोशिका झिल्ली। लेकिन चोरी वोरी से आगे मान लो अंदर वाले रास्ते से आ गए, दर्रे से आ गए किसी कारण से, मान लो कोशिका के अंदर मान लो आतंकवादी प्रवेश कर गए, कोशिका झिल्ली नहीं देख पा रही है और प्रवेश कर गए, तो क्या होगा बच्चा? जैसे बैक्टीरिया, समझना, जैसे बैक्टीरिया कोशिका के अंदर जाता है तो अच्छा, और लाइसोसोम हमने कहां है? ऊंचाई पर ऐसे बैठा है। तो लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम क्या करता है? निहार रहा कि कोशिका के अंदर कोई आतंकवादी ना आने पाए, ठीक, कोशिका के अंदर कोई आतंकवादी ना आने पाए। तो ये क्या करता बच्चा? निहारा करता, निहारा करता। और जैसे क्या होता है, आतंकवादी यहां पर आता, मतलब बैक्टीरिया जैसे अंदर जाता है, जैसे बैक्टीरिया अंदर जाता है तो क्या करता है? एक बूंद एंजाइम गिराता और एंजाइम क्या होता है? नष्ट कर देता।
एक बूंद गिराई छोटा मोटा आतंकवादी हुआ तो एक गोली मर जाए, है ना। कहने का मतलब यह है बच्चा, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर क्या होता है, जब बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो एंजाइम क्या करता है बच्चा, एंजाइम गिरा देता है, कौन, लाइसोसोम। और मान लो बहुत बड़ा आतंकवादी है, जिसका मुंह बड़ा का है, महाओं मुंह लिए और पूरी एक टीम लेके घुस गया। कहने का मतलब जब कोशिका के अंदर बहुत बड़ा बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता या महाओ बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते तो मतलब क्या होता है, मतलब क्या है आप समझ रहा, लाइसोसोम गुस्सा गया, अच्छा एक एक बूंद गिरा रहा, एक एक बूंद गिरा रहा, पहले छोटे छोटे बैक्टीरिया है, छोटे छोटे एक एक बूंद गिराया, मर रहे, देखा नहीं मर रहे, तो क्या हुआ, अपने आप को क्या किया, पूरी तरह से क्या किया, नष्ट कर दिया। और 24 प्रकार के जो एंजाइम थे पूरे के पूरे ऐसे गिरा देता है और बैक्टीरियों को क्या कर देता, क्या कर देता है, हत्या कर देता है, सबको समाप्त कर देता है। तो कहा जाता है कि कोशिका को बचाने के लिए अपनी खुद की हत्या करने वाला कौन है, लाइसोसोम है, कौन है, लाइसोसोम है। इसीलिए इसको बोलते आत्महत्या की थैली, क्या बोला जाएगा, आत्महत्या की थैली, क्या बोलेंगे, आत्महत्या की थैली। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कोशिका को बचाने के लिए खुद की हत्या किसने कर दी, लाइसोसोम ने कर दी, किसने कर दी, लाइसोसोम ने कर दी। यदि ये चाहता तो भैया का आराम से ऐसे सोया करता, कुछ ना करता, लेकिन इसने क्या किया, जाना कि कोशिका को कष्ट है, कोशिका को समाप्त कर देगा, तो इसने क्या किया, अपने आप को विस्फोट कर दिया और जिसके अंदर जो एंजाइम थे 24 प्रकार के वो पूरी तरह से किसको नष्ट कर दिए, बैक्टीरियो को। क्लियर हुआ कि नहीं, तो बैक्टीरिया की हत्या करने वाले या बैक्टीरिया को समाप्त करने वाले कौन हो जाएंगे, तो लाइसोसोम हो जाएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहेंगे, लाइसोसोम को कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब आप समझना। तो बैक्टीरिया की रक्षा, बैक्टीरिया से क्या करता है, रक्षा करने का कार्य करता है और आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्लियर हो गया, तो आत्महत्या की थैली किसे कहेंगे बच्चा, तो लाइसोसोम। और राइबोसोम जो था, यहां से राइबोसोम जो था ये क्या था, प्रोटीन की फैक्ट्री थी, लेकिन यहां पर लाइसोसोम क्या होगा, आत्महत्या की थैली होगा। कंप्लीट हुआ, देखो भाई आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। साइंस को इतनी सरल भाषा में बता देंगे ना कि मजा आ जाएगा। केवल मुहनता को लिखो, नोट्स बनाओ, एक एक पॉइंट को नोट करो, इस तरह से साइंस नहीं पढ़ सकते इतनी सरल भाषा में। आओ आगे बताते हैं। तो भाई ये लाइसोसोम की कहानी पूरी तरह से मैंने आपको समझा दी कि काहे इनका आत्महत्या की थैली कहते। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। इसी में दूसरा अंग जो होता है जिसको हम बोलते हैं लवक, क्या बोलते हैं, लवक, क्या बोलते हैं बच्चा, लवक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में, लवक। अब यहां से आपने देख लिया, ये इधर वाला समाप्त कर दे, ये कोशिका का चित्र बना दिए, ठीक है ना। ये बीच वाला केंद्रक होता है और ये क्या होते हैं, अंतःद्रवी जालिका है। बता दी के पहले वीडियो में देख लेना। अब यहां पढ़ने जा रहे हैं बच्चा लवक, क्या पढ़ने जा रहे हैं, लवक। तो सबसे पहले लवक की बात की जाए तो लवक के खोजकर्ता कौन थे, हेकल। कौन थे, हेकल साहब थे। हाँ, लवक की खोज किसने की, हेकल साहब ने की। बात की जाए लवक के बारे में तो लवक केवल पौधों में पाए जाते हैं, मतलब पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। अब यहां से कोशिका चैप्टर में हमने दो चीजें देखी जो केवल पेड़ पौधों में पाई जा रही थी। एक हमने देखा था कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जा रही थी, पेड़ पौधों में पाई जा रही थी। और दूसरी चीज हमने देखी बच्चा, दूसरी चीज भी हमने क्या देखी थी, को हमने दूसरी चीज ये देखी थी, सबसे बड़ी चीज ये थी कि देखा जाए कि ये जो लवक होता है, लवक भी किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। लवक भी किस में पाया जाता है, पेड़ पौधे। तो कोशिका के अंदर हमको दो चीजें मिली, एक कोशिका भित्ति मिली थी और दूसरा मिलने जा रहा लवक। कौन मिलने जा रहा, लवक, जो केवल किस में पाया जाएगा, पेड़ पौधों में पाया जाएगा। तो यहां से समझना, लवक के खोजकर्ता कौन होंगे, हेकल होंगे। और लवक के बारे में बात किया जाए किस में पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो समझने के लिए आपको शुरू से एक एक वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं मुंह ताकते रह जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को, समझो, लिखते रहो, समझते रहो और साइंस को सरल कर दो। एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने का संकल्प है मेरा। सुपर टेट के बच्चे जो हैं, जो टेट के बच्चे हैं, जो लेखपाल हैं, जो पुलिस हैं, सब जगह साइंस का स्कोप है और साइंस में पूरे दिला के रहेंगे। मैंने वादा किया है और वादा पूरा करके रहेंगे। हम बीच में छोड़ने वाले नहीं है बच्चा, बीच में छोड़ेंगे नहीं, ये जान लो, है ना। चलो आ जाओ। तो हमने कहा लवक केवल किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। लवक के खोजकर्ता कौन थे, हेकल थे। लवक तीन प्रकार है, लवक के प्रकार कितने हैं कोई पूछ ले, तो लवक के तीन प्रकार होते हैं। तो लवक का पहला प्रकार होता है जिसको बोलते हैं वर्णी,
दूसरा अवर्णी और तीसरा हरित। क्या होता है? हरित लवक। अच्छा कुछ लोग तो केवल एक जानत का हरित लवक का, उनसे बहुत लवक का है, कहीं हरित लवक है, हरित लवक है, तुम्हारा मुंह है हरित लवक। सुनो लवक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्णी लवक बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसको अवर्णी लवक बोलते हैं। तीसरा जो होता है उसको हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं बच्चा। अब यहां से समझना, हम बताने जा रहे हैं वर्णी लवक। अब वर्णी लवक की चर्चा करने जा रहे हैं बच्चा। वर्णी लवक, वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। पहले चीज तो जान लो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में वर्ण व्यवस्था है ना, तो वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या होता है? रंग व्यवस्था के बारे में है ना, रंग के बारे में। वर्ण का मतलब ही क्या होता है? रंग। क्या होता है? रंग होता है। और आप चीज एक चीज तो जान गए हो, लवक जो होते हैं वो केवल पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। तो लवक का मतलब क्या हो गया? पेड़ पौधों में जो पाया जाएगा। वर्णी का मतलब रंग। तो पेड़ पौधों में जिसके द्वारा रंग दिखाई देता है, या पेड़ पौधों के अंदर जो फल फूल पत्तियां जो भी चीजें होती है, जैसे कौनो पेड़ काला है, कौनो नीला है, कौनो हरा है, कौनो सफेद है, मतलब जो पेड़ पौधों में जो रंग प्रदान करता है वो किस लवक के कारण होता? वर्णी लवक। किसके कारण? आम का रंग देखो पीला पीला दिखाई देता, किसके कारण? वर्णी लवक। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होगा? वर्णी लवक के कारण होगा। पूछ लिया जाए जैसे सेब हल्का हल्का नारंगी कलर का हो, कह रहा हूं तुम्हारा मुंह नारंगी कलर का हो, तो सेब देखियो तो सेब का रंग कैसा होगा? सेब का रंग कैसा होगा? तो किसके कारण होगा? वर्णी लवक। कहने का मतलब पेड़ पौधों के अंदर जो रंग होता है, जो फलों का रंग होता, पत्तियों का रंग होता, पौधों का रंग होता, ये सब किसके कारण होगा? वर्णी लवक के कारण होगा। लवक केवल किसमें पाया जाएगा? पेड़ पौधों में पाया जाएगा। और वर्णी का मतलब क्या होता? वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता। क्या होता है? रंग होता है। आप यहां से देखो, यह रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तो वर्णी लवक पहला कार्य क्या करता है? पेड़ पौधों में रंग प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा परागण की क्रिया करता है। परागण की क्रिया क्या होती है? जैसे हमने कहा यह मान लो एक पेड़ है, है ना, एक पेड़ ये है और इसमें मान लो कोई फूल है। क्या है? फूल है। मान लो ये नर है और ये क्या है बच्चा? मादा। क्या है? मादा है। ये नर है और मादा है। तो यहां पर क्या होता है? जैसे नर है, जैसे हमने कहा नर पुष्प है, कोई नर पुष्प में कोई कीट आया, कीट का मतलब समझो कीड़ा आवा, कौनो कीट आवा बैठेगा, है ना, कोई कीट बैठा तो नर पुष्प में बैठा, तो नर पुष्प से उठ के जब मादा पुष्प में जाता है तो क्या करता है? यही क्रिया क्या कहलाती है? परागण की क्रिया कहलाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है? परागण की क्रिया। मतलब नए पुष्प का निर्माण होता है। अब पता लगा नर पुष्प यही से खड़ा इसे निहारा और मादा वाला इसे खड़ा निहारा, तो क्या दोनों एक दूसरे के पास आ सकते हैं? ना मान लो एक दूसरे को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते, प्रपोज नहीं कर सकते हैं, तो इनके बीच में जो अंतः संबंध बनाने वाला कौन होगा? कीट होगा। कौन होगा? कीट होगा। और कीट क्या करता है? पहले नर के लगे आएगा, फिर इनकी सूचना लेके मतलब जाएगा कहां? मादा के पास। तो यही क्या करता है? तो भैया परागण की क्रिया क्या होती? यही होती है और नए पुष्प का निर्माण होता है। तो परागण की क्रिया में कौन सहायक हो रहा है? कीट हो रहा है। लेकिन यहां से पूछा जाएगा, अच्छा ये बताओ मान लो नर फूल होता, उधर क्या होता? मादा फूल होता, और दोनों का हो मुरझाने से खड़े हो, तो कीट जाता उनके पास? नहीं जाता। मतलब रंग बिरंगे कलर के जब फूल होते हैं, जब फूल रंग बिरंगा कलर होता है, पुष्प का रंग बिरंगा कलर होता, तभी तो भौंरा आएगा, तभी तो भौंरा आएगा। हाँ, आपने देखा होगा, जब देखो अब लड़कियां जब तैयार वैयार होकर जब निकलती हैं तो लड़के देखते हैं अच्छा ऐसे ऐसे देखा करते, और जब लड़कियां तैयार होकर नहीं जाती तो लड़के ऐसे मुंगवा लेते, समझे कि नहीं समझे? तो जब तैयार होता है, जब फूल क्या होता है? तैयार हो जाता है, तभी तो भौरे आते हैं, तभी तो भौरे आएंगे, और जब भौरे आएंगे तभी तो परागण की क्रिया होगी, तभी तो अंतः संबंध बनेगा, तभी तो परागण की क्रिया होती, समझ पाए ना? और परागण की क्रिया मतलब फूलों को तैयार कौन करता है? बढ़िया ब्यूटी पार्लर क्रीम होंके दे रहा, लिपस्टिक लगाए दे रहा, फूल के लिपस्टिक को लगाता है वर्णी लवक। मतलब रंग प्रदान करने का कार्य कौन कर रहा है? वर्णी लवक कर रहा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए कि नहीं? तो कहने का मतलब परागण की क्रिया में भाग लेता है कौन? वर्णी लवक। कौन लेता है? वर्णी लवक लेता है। कौन लेता है? वर्णी लवक लेता है। समझ पाए कि नहीं? तो वर्णी लवक के कारण कौन सी क्रिया होती है? परागण की क्रिया होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने कहा हरे रंग। अब देखो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको नोट करके लिख लेना, जो वर्णी लवक होता है किस रंग में नहीं पाया जाता? तो हरे रंग में नहीं पाया जाता है।
वर्णी लवक किस रंग में नहीं पाया जाता है? तो हरे रंग में नहीं पाया जाता। बच्चा लिख लेना, वर्णी लवक किस रंग में नहीं पाया जाता? तो हरे रंग में नहीं पाया जाता। कहने का मतलब वर्णी लवक क्या होगा, यह पौधों में रंग प्रदान करने का कार्य करता है, परागण की क्रिया करता है और हरे रंग में नहीं पाया जाता है। अब समझ गए ना, केवल हरे रंग में नहीं पाया जाता। अब कुछ बातें, जैसे जैसे आपने देखा होगा टमाटर लाल लाल दिखाई देता है, तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपेन के कारण होता है। लाइकोपेन के कारण होता है, हजारों बार आए, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन के कारण होता है। लिख लेना, ये क्वेश्चन छपेगा भाई, ये बहुत पूछा जाता है, नोट करके लिख लेना, ये दोनों ऊपर नीचे वाले दोनों। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन के कारण होता है। सभी लोग भाई वीडियो को शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो, और आप बताओ आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? पूरी ताकत के साथ पढ़ाता हूं, पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाता हूं, कहीं कोताही नहीं करता हूं। तो हम आपसे भी उम्मीद करते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे। आप हमारे साथ खड़े हुए हो, हम ये विश्वास कर रहे हैं आपके साथ। जब हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं रात को जग जग के, तो आप भी हमारा वीडियो शेयर करोगे। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, दैनिक कार्य है आपका, डेली आप ये कार्य करो। चलो आ जाओ भाई। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन के कारण होता है। चुकंदर का रंग देखियो, ये चुकंदर का जो रंग होता है किसके कारण? तो विटामिन, विटामिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग, गाजर देखो लाल लाल होता, हम कल से इसे खा लो, तो गाजर का लाल रंग किसके? एंथोसाइनिन, है ना, एंथोसाइनिन के कारण होता है। हाँ, कुकुरमिन के बारे में क्या बताया जाता है? हल्दी का पीला रंग, एक बार लिख लेना, ये सब याद कर लेना, हल्दी का पीला रंग कुकुरमिन के कारण होता है, है ना। तो इसको सबसे ज्यादा इसमें लाइकोपेन ही पूछा जाता है, लाइकोपेन के बारे में पूछा जाता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपेन के कारण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णी लवक कहां नहीं पाया जाता है? तो हरे रंग। ये दो बातें आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। चलो अवर्णी के बाद, जैसे आपने कहा था वर्णी का मतलब क्या होता है? रंग होता है। अवर्णी का मतलब क्या होता है? रंगविहीन, कौनो रंग हो, मतलब तैयार हो के खड़े ना हो, जब फूल तैयार होके ना खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो, कोई रंग ही ना हो, तो कोई उसके पास जाएगा? नहीं जाएगा। तो वर्णी लवक के बारे में बात किया जाए, तो ये कहां पाया जाता है? तो श्वेत भाग में, है ना, श्वेत भाग मतलब सफेद सफेद, जहां खाली सफेद सफेद भाग हो, मतलब जब किसी का कोई रंग नहीं होता तो कैसा रंग है? सफेद। कैसा? सफेद। तो पौधों के सफेद भाग में कौन सा लवक पाया जाता है? तो अवर्णी लवक, याद रख लेना। पौधों के सफेद भाग में कौन सा रंग पाया जाता है या कौन सा लवक पाया जाता है? तो अवर्णी। कौन सा? अवर्णी। तो पौधों के अंदर सोचो, अब आप दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कि पौधों के अंदर कहां सफेद भाग पाया जाए। तो कबो पेड़ खोद के देखो तो जड़ें सफेद सफेद दिखाई देती, जड़ें कैसी होती? सफेद। तो ये कहां पाया जाता है? जड़ों में। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया बताइए कि पौधों का, हाँ, पौधों में कहां पर अवर्णी लवक पाया जाता? तो जड़ों में। कहां पर पाया जाएगा? जड़ों में पाया जाएगा। तो अवर्णी लवक कहां पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है। कहां पाया जाता? जड़ों में। अर्थात जहां पर कोई रंग नहीं होता है वहां पर कौन होता? अवर्णी लवक होता है। अवर्णी लवक जो होता है ये पेड़ पौधों के लिए भोजन संचय का कार्य करता है। अब पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो दो पॉइंट ये बताए, तीसरा पॉइंट ये बता रहे हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण, लिख लेना। पौधों के लिए जो भोजन संचय का कार्य करता है वो कौन करता है? अवर्णी लवक। खाना वाना बनाए को रखे राहत है तो कौन रखता है? अवर्णी लवक रखता है। और किस रूप में, खाने का जो रूप होता है उसको स्टार्च बोलते हैं। लिख लेना इस बात को, भोजन का संचय करने का कार्य कौन करता है? अवर्णी लवक करता है। लेकिन किस रूप में होता भोजन इनका? स्टार्च के रूप में होता। तो पौधों का जो भोजन होता वो रूप क्या है? स्टार्च है। लेकिन भैया पूछ लिया जाए कहां पर संचय होता, स्टार्च कहां पर रखा जाए? जैसे फ्रिज के अंदर रखा ना खाना बनाया बनाए, तो उसी तरह से फ्रिज का काम कौन कर रहा? अवर्णी लवक कर रहा है। लेकिन खाना जो है वो कौन है? स्टार्च है। यहीं पर नोट करके लिखा दिया हूं। तो जंतुओं में भोजन संचय का कार्य यकृत करता है। तो जंतुओं में मतलब बात किया जाए, जंतुओं में भोजन कहां रखा होता है? यकृत में होता है, यकृत के अंदर रखा जाता है। और यहां पर जो भोजन, जैसे यहां स्टार था, यहां पर कौन है? ग्लाइकोजन है। कौन है? ग्लाइकोजन है। भोजन का नाम क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। और यहां के भोजन, पौधों के भोजन का नाम क्या होगा? स्टार्च। और जंतुओं के भोजन का नाम क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। पौधों का भोजन कहां होता है? अवर्णी लवक में होता है। लेकिन जंतुओं का भोजन कहां होता है? यकृत में। कहां होता है? यकृत में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आते हैं।
अब हरित लवक की बात किया जाता है, हरित लवक की बात करते हैं तो पौधों के हरे भाग, देखो वर्णी लवक कहां नहीं पाया जाता, तो हरे भाग में नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ? रंग देने, पेड़ पौधों को रंग देने का प्रदान कौन सा लवक करता है? तो वर्णी लवक करता है। पूछा जाए अवर्णी लवक का है, जहां कोनो रंग ना हो वहां कौन सा लवक हो? अवर्णी लवक होगा, मतलब सफेद भाग में। सफेद भाग कौन सा है? जड़ है। कहां पर? जड़ों में होता। अब हरित लवक की बात की जाए तो हरे भाग में, पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। हरे भाग में कौन सा लवक पाया जाएगा? हरित लवक। हरे भाग में कौन सा नहीं पाया जाएगा? वर्णी लवक। तो हरे भाग में कौन सा लवक पाया जाएगा? तो हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसी के कारण क्या होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है देख लो बच्चा, जो बच्चों को नहीं पता देख लो। देखो 6 CO2 CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और 12 H2O, ठीक है ना? हाँ, 6 CO2 प्लस 12 H2O जब क्रिया करता है तो ये बनाता है C6H12O6। इसी को ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। पेड़ पौधों का ये भोजन हो जाता है, ग्लूकोज है। और इधर क्या है? 6O2। ये 6O2 प्लस 6H2O। तो आप पूछा जाता है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसको ग्रहण करते हैं? तो CO2 को खाते हैं। खाने का कार्य किसको करते हैं? हाँ, कोई का खाइए CO2 को। और बाहर निकालने का काम किसको करते हैं? तो ऑक्सीजन को करते हैं। तो हरित लवक की उपस्थिति में कौन सी क्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कंप्लीट हुआ? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही? हरित लवक। हरित लवक कहां पाया जाएगा? हरे रंग में पाया जाएगा। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। एक चीज और लिख लेना भाई, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग तो हरा होता। पेड़ पौधों का कौनो भाग तुमका हरा हरा दिखाई पड़े तो कौ पूछ ले कहीं के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता। और एक प्रश्न और पूछा गया है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व तो पाया जाता? तो मैग्नीशियम। क्या पाया जाए? Mg, मैग्नीशियम पाया जाता है। लिख लेना, पेड़ पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में सबसे अधिक कौन सा तत्व तो पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लियर हुआ? इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अब कोशिका का रसोई घर क्यों कहते हैं? आपको पता है पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं ना, स्वयं खाना बनाते हैं। अब खाना जो बनाते हैं उस क्रिया का नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? हरित लवक में होती है। मतलब देखो किचन जानो तो है ना, जहां पर गैस रखा हो, चूल्हा रखा हो, भगोना रखा हो, सारे बर्तन रखे रहते हैं जहां पर खाना बनता है। तो जहां पर खाना बनता है, जो मतलब पेड़ पौधों का जहां खाना बनता है उसका नाम क्या है? हरित लवक है। इसीलिए पौधों का इसे क्या कहा जाता है? रसोई ग्रह कहते हैं, है ना? रसोई घर, रसोइया, जिसका नाम रसोइया कहती है, चूल्हा उल्हा जहां रखा रहता है, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? रसोई ग्रह बोलते हैं। मतलब किचन, किचन को चिकन नहीं, किचन। किचन कौन होगा? हरित लवक होगा। और कहा जाता है हरित लवक के कारण ही पौधे स्वपोषी होते हैं। यदि हरित लवक ना होता तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती? तो नहीं हो पाती बच्चा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये था भैया लवक के बारे में डिटेल में जानकारी दी है भैया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला डेली 9 बजे कराई जाती है और डेली क्लास भी, करंट वगैरह सारी चीजें चल रही व्यवस्थित रूप से। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे वीडियो को देखें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपनी राय जरूर दें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।